नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, आपके ओपन मैट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ दिन बाद आपके ओपन मैट के एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं एक वीडियो तैयार की है हमने, और जिसमें हम कुछ बताएंगे, जीए के क्वेश्चन जानेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बताएंगे और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ वीडियो हम लेके आएंगे अभी आपके पेपरों के लिए कि आप पेपरों की तैयारी अच्छे से। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर देने से पहले इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है ये बताना है। उसका आंसर है नेपट्यून। ठीक है ना, नेपट्यून जो है हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट है। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, विच प्लैनेट इज़ फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट है जो फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम में जो फास्टेस्ट रोटेशन करता है, वो है हमारा जुपिटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने। तो सोलर सिस्टम के बारे में आपको पूरी तरह से अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से हमारे प्लैनेट हैं और कैसे क्या क्या करते हैं वो, कौन सा कोल्डेस्ट है और कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना, जावा पॉइंट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ विच ओशन। जो जावा पॉइंट है वो कौन से ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है ये बताना है हमें। तो जो जावा पॉइंट है वो इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे अपना, विच गेम इज रिलेटेड टू रणजी ट्रॉफी। जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों, ट्रॉफीज के बारे में और कप्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए आपको कि कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है या कौन सा कप दिया जाता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच गेम इज रिलेटेड टू रणजी ट्रॉफी। जो रणजी ट्रॉफी है वो कौन से गेम में दी जाती है, वो है हमारी क्रिकेट के खेल में रणजी ट्रॉफी मिलती है। दोस्तों, ये क्रिकेट के खेल से रिलेटेड है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, विच गेम इज रिलेटेड टू आगा खान कप। कौन से गेम से रिलेटेड है ये बताना है। ये है हमारा हॉकी गेम से रिलेटेड है आगा खान कप। आगे बढ़ते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द भारत भारती ऑथर। जो भारत भारती बुक है उसके ऑथर का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो भारत भारती जो बुक है उसके ऑथर का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, बुक्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि बुक्स के वो किसने कौन सी लिखी है बुक्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आगे बढ़ते हैं हम, आठवां क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ कथकली डांस। ये जो कथकली डांस है वो कौन से स्टेट का है ये बताना है हमें। ये केरल का कथकली डांस है। दोस्तों, डांस के बारे में अच्छे से जानकारी रख लेना अपनी, क्योंकि पूछ लिया जाता है इसमें कई बार कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, विच स्टेट फेस्टिवल इज शिगमो। जो शिगमो है वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल है गोवा का। टेंथ क्वेश्चन हमारा, दसवां क्वेश्चन है, एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एवरी ईयर। कौन से सिटी में हर साल एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो है हमारा ए अजमेर, बी कोटा, सी जयपुर और डी है जैसलमेर। तो दोस्तों, जो हमारा आंसर है वो है आंसर सी जयपुर। जयपुर में है जो फेस्टिवल एलिफेंट फेस्टिवल, वो हर साल मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ग्यारहवां क्वेश्चन, ओनम इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। जो ओनम है वो कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है ये बताना है हमें। ए तमिलनाडु, बी केरला, सी असम, डी सिक्किम। तो जो हमारा ओनम है वो है बी केरला में मनाया जाता है हमारा। ठीक है, बारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ बुगारिया। बुगारिया का नेशनल गेम कौन सा है ये बताना है हमें। जो बुगारिया है उसका नेशनल गेम है वेट लिफ्टिंग। ठीक है ना, नेशनल गेम्स कौन सी कंट्री का कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। हम क्वेश्चन ऐसे ही लेके आए हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा 100% चांसेस उसके होते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, आप ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन, पपिकोंडा नेशनल पार्क
इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, जो पापिकोंडा नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है ये बताना है। तो उसका आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश, जो है पापिकोंडा नेशनल पार्क है वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, और कब है 2008, इसमें ईयर भी दे रखा है 2008 से। अब है 14th, यानी 14th क्वेश्चन हमारा, 14th क्वेश्चन हमारा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये बताना है जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो वो है हमारे केरल में 1984 से। अब हमारा 15th क्वेश्चन हमारा 15th क्वेश्चन है, विच कंट्री नेशनल गेम इज वॉलीबॉल। मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज़ के कौन सा गेम खेला जाएगा, नेशनल गेम कौन कौन सी, किस किस कंट्री का कौन सा नेशनल गेम होता है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आ गया ऐसा ही, विच कंट्री नेशनल गेम इज़ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो है वो कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है, तो वो है हमारा श्रीलंका। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, ऑलविन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप एंड चैलेंज कप आर रिलेटेड टू, ये बताना है ये सब ट्रॉफी और कप हैं वो कौन से गेम से रिलेटेड है ये बताना है हमें। तो ये सारे कप और ये कप और ट्रॉफी है वॉलीबॉल से रिलेटेड है। आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन हमारा, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड, ये बताना है कि जो हमारे कुछ डिसिप्लिन बता रखे हैं इसमें से कौन सा नोबेल प्राइज अवार्डेड है ये बताना है, कौन कौन से हैं। तो ए दे रखा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बी दे रखा हमें मेडिसिन, सी दे रखा हमें लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमी, और डी दे रखा हमें ऑल ऑफ द अबव। तो जो नोबेल प्राइज अवार्डेड है कौन कौन से हैं वो ये सारे ही हैं दोस्तों। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी मिला हुआ है नोबेल प्राइज अवार्ड, और मेडिसिन में भी, और लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमी में भी मिला हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने 18th क्वेश्चन पर। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। तो आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन हमारा, What is the minimum age to be appointed as the chief minister of a state? एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए ये बताना है हमें। तो इसका आंसर है हमें बता रखे, ऑप्शन बता रखे कुछ हमें, वो भी देख लेते हैं। ए 25 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 35 ईयर, डी 18 ईयर। तो दोस्तों इसका आंसर है उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने की 25 ईयर्स। ठीक है ना। हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो आयरन मैन से कौन जाना जाता है इंडिया के अंदर ये बताना है। तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है। 20th क्वेश्चन यानी कि 20th क्वेश्चन हमारा, अशोक पंडित इज नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड, ये जो हमारे अशोक पंडित जी है वो कौन से फील्ड से परफॉर्म करते हैं, यानी किस फील्ड से परफॉर्मेंस देते हैं ये बताना है। तो वो हमारी शूटिंग में खेलते हैं ये अशोक पंडित जी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ, ये बताना है डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ ए पंजाब, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। जो डांडिया है वो कहाँ पे डांस किया जाता है, कहाँ पे के वो डांस फॉर्म है कहाँ का, तो वो है हमारे गुजरात का। गुजरात में डांडिया खेला जाता है, और एक डांस के फॉर्म में खेला जाता है दोस्तों ये, और ये नवरात्रों में होता है अधिकतर, नवरात्रों में डांडिया खेला जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों जीए के जनरल अवेयरनेस के, हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आगे भी और लेके आते रहेंगे आपके लिए, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं तब तक हम ऐसी कुछ छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, क्वेश्चनों को देखकर आप पहचान जान सको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और क्या पता इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आ जाएँ आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश का ले लेते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ
फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है हमें, तो फिल करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। जब वो जो प्रिंसिपल है वो एंटर करती है तो ए स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड क्या करता है वो, तो अ स्टूडेंट क्या आएगा ब्लैंक के अंदर क्या आएगा दोस्तों, ए रॉट, अ स्टूडेंट रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और बी वॉज राइटिंग, अ स्टूडेंट वॉज ऑन द राइटिंग ब्लैक बोर्ड, सी राइट्स, अ स्टूडेंट राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, डी अ स्टूडेंट इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसके अंदर आएगा हमारा वॉज राइटिंग, अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, वो क्या कर रहा था ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। तो शी क्या आएगा इसके अंदर ये बताना है हमें, शी वॉच टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। सेकंड है हमारा, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। थर्ड है हमारा, शी इज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। और फोर्थ है हमारा, शी वॉच टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। तो इसके अंदर आएगा दोस्तों, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। जब उसके हस्बैंड आए तो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें करेक्ट स्पेल्ड कौन सा ये बताना है दोस्तों, तो जो हमारा करेक्ट स्पेल्ड है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि रिनाइसेंस, ठीक है ना दोस्तों। रिनाइसेंस क्या है हमारा, करेक्ट स्पेल्ट है ये, क्या है रिनाइसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड, क्या है वो एक फ्रेंच वर्ड है, रिनाइसेंस क्या है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है रीबर्थ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, और जो करेक्ट है वो बताना है हमें, जो करेक्ट है वो बताना हमें। फोर्थ क्वेश्चन जो करेक्ट है हमें वो बताना है दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। तो जो हमारे इसमें जहाँ तक मुझे रिकमेंडेशन की स्पेलिंग है, तो रिकमेंडेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है ये बताना है। इसके अंदर हमारा आंसर है आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी ए टी आई ओ एन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, रिकमेंडेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड बताना है कौन सा इसमें करेक्ट वर्ड है। सारे इनमें से तीन ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं और एक सही है, कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, इसके अंदर भी हमें करेक्ट वर्ड बताना है। इसके अंदर भी फोर चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है हमें ये बतानी है। तो जो ऑप्शन है हमारा उसका आंसर है एग्रेसिव की स्पेलिंग ए डबल जी आर ई डबल एस आई वी ई, यानी कि एग्रेसिव की ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है हमारा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन दोस्तों, इन द फॉलोइंग फोर ऑप्शन फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक जो है वो पूरी तरह से स्पेल्ड जिसका गलत है, स्पेलिंग गलत है वो बताना है हमें। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट बी का कॉरेस्पॉन्डेंस और सी का लेफ्टिनेंट और डी का देखा है ए जो है वो हमारा बिल्कुल गलत है। तो उसकी स्पेलिंग दे रखी है टी आर ए एन सी ई डी ई एन टी है, जो बिल्कुल गलत है। और उसकी सही स्पेलिंग हमने ग्रीन पेन से लिखी हुई है टी आर ए एन एस सी, ठीक है ना दोस्तों। जो एन के बाद क्या आएगा वो एस आएगा, एस सी ई एन डी ई एन टी, ठीक है ना। एक इसमें एस नहीं है और एन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
एट्थ क्वेश्चन दोस्तों, ये एट्थ क्वेश्चन जो है वो पैसेज है, एक ये पैसेज दे रखे और उसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, इस पैसेज में से इसको आपको आंसर बताने हैं पढ़ के लिए पढ़कर। तो आप इस पैसेज को हमारे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आपका ये पूरा पैसेज। तो देखिए और इसको एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ इसको। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नाइन्थ क्वेश्चन। द टाइटल ऑफ द पैसेज कुड बी, इसका टाइटल कौन सा होना चाहिए दोस्तों ये बताना है। तो इसके आंसर दोस्तों मैंने नीचे लिखे हुए हैं आपके। तो नाइन्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा है, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा बी। तो जो बी है हमारा बिल्कुल ठीक है, बी का क्या है हमारा, बी होना चाहिए इसका पैसेज का टाइटल, ठीक है ना। एंशिएंट अप्रोच इज ट्रेडिंग इन सैनिटी, सॉरी ट्रेडिंग इन सैनिटी, ठीक है ना दोस्तों। टेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज इज, टेंथ का आंसर हमारा है बी, अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिंग द इंसेंस, ठीक है ना दोस्तों। जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। इलेवेंथ हमारा क्वेश्चन, ऑल द आइडियाज आर मैंशन इन द पैसेज एक्सेप्ट वन, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। आप इसके आंसर अपने आप देखिएगा कौन सा आंसर, अभी तो मैं आपको ऐसी बता रही हूँ, लेकिन अपने आप कोशिश कर ली करिएगा ताकि आपका पकड़ हो अच्छी हो सके पैसेज के अंदर भी, और जल्दी से जल्दी आप पैसेजों के आंसर निकाल सकें। ट्वेल्व क्वेश्चन दोस्तों, जो बारहवा क्वेश्चन है, द फ्रेज ड्रामेटिकली थेरेप्यूटिक रिजल्ट्स सजेस्ट्स, ये बताना है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन जो बी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। देयर वॉज अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट्स, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है हमारा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों, देयर वॉज अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थर्टींथ क्वेश्चन, तेरहवा क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द टोन ऑफ पैसेज वी कैन इन्फर दैट द ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट, तो इसका आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। फोर्टींथ क्वेश्चन दोस्तों, तो फोर्टींथ क्वेश्चन यानी कि चौदहवा क्वेश्चन हमारा, द क्वेकर इंस्टीट्यूशन वर मॉरली राइट इन कंपैरिजन टू अदर बिकॉज दे, तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है हमारा। आप इसके आंसर अपने आप देखिएगा निकालिएगा। फिफ्टींथ क्वेश्चन हमारा, द स्टाइल ऑफ द पैसेज इज, जो पैसेज का स्टाइल है वो कैसा है ये बताना हमारा हमको। तो उसका स्टाइल है फैक्चुअल, ठीक है। फोर्थ आंसर फिफ्टींथ का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और सिक्सटींथ क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हमारा ए जो है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आप आगे देख लीजिएगा। सेवनटींथ क्वेश्चन, अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज़ द सिमिलर इन मीनिंग, जो सिमिलर मीनिंग है उस वो बताना है इसके वर्ड का। तो सिमिलर यानी कि सिनोनियम्स पूछे गए हैं इसमें से दोस्तों, तो सिनोनियम्स वगैरह हैं वो भी याद कर लीजिएगा आप, अपने अच्छे से पकड़ होनी चाहिए सिनोनियम्स के अंदर आपकी। और तो देख लेते हैं 18th क्वेश्चन हमारा क्या है, थ्रैशिंग का सिनोनियम क्या होगा दोस्तों, सिमिलर मीनिंग क्या होगा ये बताना है हमें। तो थ्रैशिंग का सिमिलर मीनिंग होगा हमारा ऑप्शन सी, बैशिंग, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमें बता रखा है थ्रैशिंग है एन एक्ट ऑफ फिजिकली बीटिंग समवन, अ बीटिंग
हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्या है वो, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है हमारा। थ्रैशिंग का सिमिलर मीनिंग क्या है, बैशिंग। आगे देखते हैं फर्मिश। फर्मिश का सिमिलर क्या होगा दोस्तों, फर्मिश माने ही भूखा होता है, और इसका सिमिलर होगा स्टार्व्ड। स्टार्व्ड क्या है हमारा, इसका सिमिलर है ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका दे रखा है हमें फर्मिश्ड एक्सट्रीमली हंगरी, यानी कि क्या है, एक्सट्रीमली हंगरी। हैंस द स्टार्व्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो स्टार्व माने भी हंगरी होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एलिगेंटली। एलिगेंटली का मतलब क्या, एलिगेंटली का सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा ये बताना हमें। एलिगेंट का सिमिलर मीनिंग है हमारा ऑप्शन डी, ग्रेसफुली। ठीक है दोस्तों, ग्रेसफुली जो है इसका सिमिलर मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 21 स्कूल एंड। स्कूल एंड का जो हमें सिमिलर मीनिंग बताना है दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर स्कूल एंड का। तो स्कूल एंड का मतलब क्या होता है, स्कूल एंड मतलब होता है कोई भी जूसी या रसीली कोई सब्जी या फूड कुछ भी, है ना। तो इसमें दे भी रखा है सॉल्यूशन में, देखिए स्कूल एंड मतलब ऑफ फूड, यानी कि जो ऑफ फूड होता है टेंडर जूसी कोई फूड, अभी मैंने बताया था रसीली सब्जी या कुछ भी, एंड टेस्टी। तो इसका स्कूल एंड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा दोस्तों, ल्यूशियस। ल्यूशियस क्या है हमारा, इसका सिनोनियम है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये हो गए हमारे 21 क्वेश्चन। तो दोस्तों इंग्लिश के ये 21 क्वेश्चन है और जीए के 21 क्वेश्चन थे दोस्तों। ये क्वेश्चंस लेके आए थे आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लेके आए हैं। आपके शायद ट्यूसडे को आपका एग्ज़ाम है, ट्यूसडे का एग्ज़ाम है आपका, तो हम उससे पहले पहले आपकी दो तीन वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और आप थोड़ी सी जानकारी मिल सके। दोस्तों अपनी यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको हमारी वीडियो और पसंद आती है तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सके और उनको थोड़ी हेल्प मिल सके हमारी इस वीडियो से अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करते, धन्यवाद।